दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा वेयर हाउस, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर जो कि कोरियन मार्बल से बने हुए मंदिर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या आपने कोई सपना भी देखा है किसी मंदिर का, तो सेम उसी के जैसा मंदिर बना करके दे देंगे। सर हमारी कंपनी की जो स्लोगन है वो यही है, आर्टिफाइंग योर ड्रीम्स, यानी दोस्तों आपके सपनों का मंदिर आपको मिल गया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये मंदिर। मुस्कान देख लीजिए आप, फिनिशिंग देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए। इसमें बड़ा बनवाना चाहे तो बड़ा ही बन जाएगा, बड़े से बड़ा बन जाएगा। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे आपको मंदिर मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मार्बल आर्ट स्टूडियो पे। तो जाना ही इसी वजह से जाता है, अपनी अच्छी कारीगरी की वजह से, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल की वजह से। दोस्तों देखिए यहाँ पर सर ने कहा है आपको कुछ ना कुछ देंगे जरूर अगर हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे। सर एक तो आपने दे दिया पूरा 10% का कैश डिस्काउंट। जी सर बिल्कुल डज है सर, मेरे पास स्क्रीनशॉट दिखा है कि मैं आपकी वीडियो को देख के आया हूँ, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रखा है, ठीक है। उन्हें सिर्फ उन्हें मिलने वाला है 10% का डिस्काउंट। और दोस्तों इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आप घर बैठे इनसे इस तरह के कोरियन मार्बल वाले मंदिर मंगा सकते हैं और यहाँ पर आप इन्हें कस्टमाइज भी करा सकते हैं। इतना अच्छा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है, पीछे पूरी लोटस की पट्टी आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर लाइटिंग की हुई है। ये ऐसी डिजाइन अभी तक कहीं नहीं देखने को मिलेगी, इस बात का चैलेंज है। आपकी वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कॉपी कर ले तो उसका कुछ कह नहीं सकता। अच्छा सर यहाँ पर कॉपी भी होती है? सर मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द डिजाइन मेरे कॉपी हो चुके हैं, पर एग्जैक्ट अभी ना पाए लोग। बात है जो आप बड़े बुजुर्ग कहते हैं, कविता भी है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। सर जो असल होता है उसी की नकल करते हैं सर। बिल्कुल सर, पल्ले हमारे लाइटेड होने वाले हैं, देखिए सब के पल्लों के अंदर ड्रॉर में भी लाइट दे रखी है। इसमें आप देख रहे हैं शंख का पीस, ये पीस किसी के पास देखने तक को नहीं मिलेगा सर। ऐसे लग रहा है जैसे 3D बिल्कुल उभर के आ रहा है। ओम का पूरा पैटर्न बना रखा है, गायत्री मंत्र लिख रखा है, डमरू वाले पिलर बना रखे हैं। तो वाकई में आज आपका ये ड्रीम पूरा करने वाले सर। सर के पास और आपको सारी जानकारी देंगे। तो सर क्या हाल चाल है? बढ़िया सर बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक। मैंने सर काफी नाम सुना है आपकी कंपनी का, पूरे वर्ल्ड में आपकी कंपनी ने तहलका मचाया हुआ है। कोई भी व्यूअर्स हमारा अगर मंदिर लेना चाहता है, अगर आपने अपने कोई सपने के अंदर भी कोई मंदिर आपने ढूंढा है ना, या आपने कोई सपना भी देखा है किसी मंदिर का, तो सेम उसी के जैसा मंदिर बना करके दे देंगे सर। बिल्कुल बना के देंगे ना? बिल्कुल सर, हमारी कंपनी की जो स्लोगन है वो यही है, आर्टिफाइंग योर ड्रीम्स, यानी दोस्तों आपके सपनों का मंदिर आपको मिल गया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोरियन मार्बल है सर, जिसे और भी पत्थर के मैंने मंदिर देखे सर, कुछ दिन बाद क्या होता है वो रंग छोड़ देते हैं जी। क्या ऐसा तो नहीं है हमारे प्रोडक्ट के अंदर? सर हमारे प्रोडक्ट की 10 साल की वारंटी है, येलोइश नहीं होगा, नहीं क्रैक्स मतलब चटकेगा नहीं। सर इसके अंदर आप क्या क्या चीजों का यूज करते हैं? सर हम लोग जो यूज करते हैं इसके अंदर, हमारा जो कोरियन होगा वो साउथ कोरिया का मटेरियल है, जिसमें हम बेंडेबल सारा यूज करते हैं, जैसे LG, सैमसंग, ट्राइस्टोन, रिहाउ, ग्रेनियम, ये सारे बेंडेबल है, सारे साउथ कोरिया के मटेरियल है। ये मंदिर आप घर तक पहुंचा देते हैं, यानी कस्टमर के घर तक जाता है मंदिर? बिल्कुल सर बिल्कुल। 10 हम लोग ये काम करते हुए हमने 10,000 से ज्यादा मंदिर बना चुके हैं, और इस काम को करते हुए हमारी 3rd generation है मंदिर का काम कर रहे हैं कोरियन के अंदर। ये काम करते हुए 10 साल हमें हो गए। क्या बात है। ये देखिए दोस्तों सामने देखिए कितना अच्छा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, कितनी अच्छी लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है। क्या आपने कभी इसी तरह के अपने घर में इस मंदिर का ड्रीम देखा था? तो वाकई में आज आपका ये ड्रीम पूरा करने वाले सर। हमारे यहाँ 2x2 का मंदिर 22,000 से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद हमारे पास हमने जो सबसे बड़ा ह्यूज साइज का मंदिर बना रखा है वो बना रखा है 13 लाख रुपए का, जो काफी ह्यूज साइज था, 17x10 का। बड़े बड़े मंदिर यानी 17x10, पर स्टार्टिंग साइज क्या रहेगा? सर 2x2 का मंदिर 20,000 से स्टार्ट है। क्या बात है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक हमारा ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने 1 साल पहले लॉन्च किया था, जिसके अंदर हमने एक लेवल के अंदर इसे बना रखा है, ये मोरपंख बना रखा है, एक शीट के अंदर बना रखा है, ठीक है। बाहर दिखाएंगे हम डबल शीट के अंदर भी आपको साथ साथ, ये हमने एक शीट के अंदर बना रखा है, इसमें हमने मेहराब ले रखी है, इसके अंदर हमने गजानन बना रखे हैं, ये कोरियन में ही काफ होने वाली है। और आप ये देख रहे हैं सीलिंग, इसके अंदर हमने 15 डिग्री का टेपर दे रखा है, जैसा की आप लोग देख रहे होंगे, जिसके अंदर स्वास्तिक भी आ रखे हैं, 15 डिग्री का टेपर आ रखा है। बैंड हो जाता है, सबसे बड़ी खासियत यही तो है इसकी, जैसा की मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, ये बैंड हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसमें लाइटेड दे रखे हैं, ये पल्ले हमारे लाइटेड होने वाले हैं, सब पल्लों के अंदर ड्रॉर में भी लाइट दे रखी है। ये देखिए सर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना अच्छा काम सर ने किया,
और कितना बारीकी काम है। बिल्कुल 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 सर, इसी बात की तो कदरदान है लोग, जो नहीं है जो ऐसी चीजें जानते हैं, मंडावली डिजाइन जो बारीक काम होता है वही करते हैं हम लोग। मशीन को डिटेलिंग में टाइम देके अच्छा चीजें बनाना ही हमारा वर्क है, उसी की वर्कमैनशिप में हम लेके आए। एक न्यू लॉन्चिंग पीस है हमारा, प्रीवियस वीक ही लॉन्च कराया हमने, इसमें आप देख सकते हैं शंख का पीस, ये एक पीस किसी के पास देखने तक को नहीं मिलेगा। इतनी डिटेलिंग देख सकते हैं आप, डिटेलिंग कितनी बारीक काम रखा है आप देख सकिए। इसके अंदर सारा मतलब ये शंख को बिल्कुल एक ऐसी शेप दे रखी है जिसके अंदर सारी डिटेलिंग होने वाली है, एसएस का वर्क होने वाला है, जिसके अंदर घंटियां बना रखी है हमने। सर ये गोल्ड और ये पूरा एसएस लगा हुआ है, एसएस लगा हुआ है सर, स्टेनलेस स्टील लगा रखा है इसके अंदर 304 की पीवीडी करके। सर ये आप देखिए शुभ लाभ आ रखा है, ये आप लैंप की डिटेलिंग देख सकते हैं, लैंप कितनी डिटेल में बन रखा है सर, ऐसे लग रहा है जैसे 3D बिल्कुल उभर के आ रहा है। बिल्कुल सर यही तो नहीं है काम की फिनिशिंग होती है सर, ये आप देख सकते हैं आप यहां पर बिल्कुल 3D के निशान नजर नहीं आएंगे, ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से काम हो रखा है, कितना फाइन क्वालिटी वर्क हो रखा है। आप पिलर देख सकते हैं, पिलर के अंदर भी बिल्कुल अलग डिटेलिंग मिलने वाली है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि पिलर हमारे पास हर मंदिर के अंदर अलग अलग पिलर मिलेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके सर। अगर कोई पिलर जैसे हमने अपना देखा हुआ है, हमें इस तरह का पिलर बनवाना है, इस तरह का हमें छत या मंदिर बनवानी है, तो बिल्कुल सेम वैसे ही बना के दे देते हैं आप? बिल्कुल उससे सेम बना के दे देंगे, उससे बेहतर बना के दे देंगे सर। इसकी साइज की बात करें कितना सही रहेगा? 4.5 फीट विड्थ है, 7.5 फीट हाइट है एंड 2 फीट डेप्थ है, जिसके अंदर हमने लेफ्ट राइट पे वर्क कर रखा है। देखिए ये देख सकते हैं आप, अभी हमारा एक छोटा मंदिर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट पे भी इसमें वर्क कर रखा है। देखिए ठीक है सर, दिखाई दे रहा है, शंख भी बन रहे हैं ये देखिए आप, इसमें भी एसएस का काम कर रखा है, इसमें शंख भी बना रखे हैं, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ 3D वर्क सारा। ठीक है जी, ये आप देखिए, ये देखिए सर नेक्स्ट में कौन सा दिखाएंगे? नेक्स्ट में हमारा ये खराद वाले पिलर का मंदिर है, ये हमने सॉलिड पिलर बना रखे है, 7-8 सीटों को जॉइंट करके इसमें खराद कर रखा है, कुछ लोग डीको का बना देते हैं सर। ये तो बिल्कुल लकड़ी जैसा काम होता है, जैसे लकड़ी में, और आपने इसको इस तरह से कोरियन मार्बल में किया हुआ है, कोरियन के अंदर 7-8 सीटों को बेंड करके मतलब जोड़ करके सैंडविच बना के फिर उसके बाद खराद कराया है इस पे। कोरियन आता 12 mm में, हमने ये थिंक करी है क्योंकि अच्छी चीजें कैसे बनाई जा सके, जैसे आप देख रहे हो सीलिंग, इसे भी जोड़ जोड़ के बनाया गया, पूरी सॉलिड सीलिंग बना रखी है, देखिए एंड टू एंड पूरी सॉलिड सीलिंग बना रखी है, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर फिनिशिंग मोल्डिंग के साथ बना रखा है, गायत्री मंत्र लिख रखा है एसएस के अंदर, आप देखिए ओम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। अरे वाह, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, फाउंट देखिए किस तरह के फाउंट है, जैसे संस्कृत लिखा होता है सेम वही फाउंट वैसे ही है, फॉन्ट बना रखे हैं आप देखिए, ये पिलर के अंदर हमने लाइट भी दे रखी है साथ साथ, सॉलिड तो दे रखे थे, कलर्स वैनिटी का नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट दे रखा है, एसएस का इनले दे रखा है, नोब होने वाली है वो भी कोरियन के अंदर, आप देखिए दोस्तों ये भी देख सकते हैं यहां भी कोरियन नोब लगी है, और ये आप जैसा कि सारे मंदिर के अंदर हम लोग देते हैं ट्रे, ये आप देखिए ट्रे दे रखी है जोत जलाने के लिए, बाहर की बारिश का धुआं निकल जाए आपको बार बार साफ ना करना पड़े, ये लीजिए दोस्तों, और देखिए बिल्कुल स्मूथ चल रही है ट्रे भी, आप देख पाएंगे सारे ड्रॉअर दे रखे हैं, ये देखिए स्टोरेज का पूरा ख्याल रखा गया है, छोटा बड़ा सामान आप जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, पल्ले भी दे रखे हैं साथ साथ सारी चीजें, ये देखिए मतलब स्टोरेज का पूरा ख्याल। तो कोरियन के अंदर हम और भी सारे आपको दिखाने वाले, जैसे मंदिर दिखाए उसके साथ साथ हम दिखाने वाले हैं वॉल पैनल जो प्रीमियम सेगमेंट के होने वाले हैं कोरियन के अंदर, ये आप देखिए 3D के अंदर कार्व्ड होने वाले हैं और सारी सीएनसी होने वाली है, 1 mm की बिट से हमने काम कर रखा है, ये भी आपको घर को सारा सुंदर बनाते हैं, इंटीरियर के अंदर एक्सटीरियर के अंदर बोर्ड टाइप के अंदर आप वर्क में ले सकते हैं, और ये आप देखिए लाइटेड होने वाले हैं, ये देख सकते हैं आप, एक सेकंड में दिखाऊंगा विदाउट लाइट किस टाइप से लगते हैं, ये विदाउट लाइट देखिए इसका ग्रेस भी अलग दिखाई देगा आपको साथ साथ विदाउट लाइट, लाइट जलने के बाद 3D जैसा लुक आ रहा है पूरा सर, 3D के अंदर नहीं है जैसा लुक आता है, ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा पैटर्न है, ये भी हमने कोरियन के अंदर काप कर रखा है, प्लस माइनस के अंदर हमने पीसेस लगा रखे हैं, इसके अंदर बीच में एक्रेलिक फंसा रखी है, देखिए ठीक है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये रिवर की थीम बना रखी है साथ साथ, ये आप देखिए ये एसएस के अंदर पूरी थीम बना रखी है रिवर की, क्या बात, ये आप देखिए ये 3D के अंदर काप्ड होने वाला है, इसके अंदर सीएनसी की डिटेलिंग देखिए आप सर, ये आप देखिए टूल्स के निशान तक नजर नहीं आएंगे, आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग कितनी क्वालिटी के साथ ये पूरी थीम बना रखी है। नेक्स्ट वन आप मैं दिखाना चाहूंगा आपको एसएस का इनले के साथ 3D वाला पैटर्न, ये आप देख सकते हैं ये 3D का पैटर्न साथ साथ बना रखा है, ठीक है। एक ये पैटर्न बना रखा है जिसके अंदर हम राउंड सर्कल लगा रखे हैं और प्लस माइनस के अंदर ये पीसेस होने वाले हैं एसएस के इनले के साथ साथ। सर इसके अंदर जो आपके पैनल लाइन में प्राइजेस रेंज कहां से स्टार्ट हो जाता है? सर 2x3 का वॉल पैनल 10,000 से स्टार्ट होने वाला है, बस 2x3 सिर्फ 10,000 रुपए से, बस सिर्फ 10,000 से स्टार्ट होने वाला है, ये देखिए आप एसएस का काम के साथ ये 3D का कॉन्सेप्ट बना रखा है साथ साथ हमने, आप देख सकते
के एक नेक्स्ट वन ये डिजाइन दिखाना चाहूंगा। इसके अंदर थ्री टाइप्स ऑफ वर्क हो रखे हैं। अच्छा जी, 3D, 2D और प्लस माइनस, ये तीनों चीजें एक साथ। क्या देखिए, 3D, 2D और प्लस माइनस तीनों चीजें एक साथ। अब ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये SS का इनले कर रखा है, ये लोटस बना रखे। ये भी थीम बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग। क्या बात है, मंदिर के साथ साथ इंटीरियर के पार्ट के अंदर भी ऐसी सारी चीजें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अब ये आप देख रहे होंगे पैटर्न, व्यूअर्स को लग रहा होगा ये एक ही शीट में होने, ये प्लस माइनस के अंदर, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लस माइनस के अंदर। ये फील होगा फोटो और वीडियो के अंदर, ये एक ही शीट के अंदर काप्ड है, ये प्लस माइनस के अंदर बन रखा है। अब ये ऐसे ही ये चीज दिखाना चाहूंगा जिसमें 3D, 2D और SS, ये तीनों चीजें एक साथ है। ऐसे ही वर्कमैनशिप करते हैं हम लोग, किस चीज को कैसे अच्छा बनाया सके, न्यू बनाया सके, ये पैटर्न का यूज कैसे किया जा सके, ठीक है, यूटिलाइज कैसे किया जा सके, कैसे चीजों को अच्छा कैसे बनाया जा सके, यही वर्क रहता है। और इसी प्रीमियम थिंग्स के लिए पहचाना जाता है हमारा शोरूम मार्बल आर्ट स्टूडियो। ठीक है, आप देख सकते हैं कोरियन के अंदर हमने बैंड करके फूल बाहर निकाल रखे हैं। ये देखिए, ऐसी थिंग्स आपको मिलती रहेंगी साथ साथ, ये आप देख सकते हैं ये बैंड करके बाहर निकाल रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये हमने प्लस और माइनस के अंदर लीफ बना रखी है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर कार्व्ड होने वाली है और जिसके अंदर लाइटिंग के साथ प्लस माइनस भी लीफ बना सके। ये भी बहुत सुंदर पीस है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और सर इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन करा सकते हैं हम? हाँ, फुल्ली कस्टमाइज है सर, जो डिजाइन चाहे जिस साइज में चाहे वो बनाकर देने का काम हमारा है। आपको बस सोचना है, थिंक करना है, करना हमारा काम है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं ट्री ऑफ लाइफ बना रखा है, ये भी काफी अच्छा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना रखी है। ये भी मैंने करल बाग के अंदर काफी बड़े ज्वेलर्स के लगा रखा है। अच्छा, अब मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। क्या बात है, ये भी आप देख सकते हैं, ये एक लीफ वाला पैटर्न है, काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ये भी हमने बना रखा है जिसमें बर्ड्स डाल रखे हैं। क्या बात है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सारा कार्बन का काम है सर। बिल्कुल सर, सारा कार्ब्ड होने वाला है। अगर किसी को अपने, जो लोग ये स्वर्ग सिद्धार्थ के अपने बड़े बुजुर्गों की पिक्चर बनवाना है, अपने गुरु की पिक्चर बनवाना है कोरियन के अंदर कलर के अंदर, तो ऐसे भी बन जाएगी। ये देखिए राधा स्वामी जी की पिक्चर जैसे हमने बना रखी है। क्या बात है, ये ऐसे भी थिंक बन सकती है। ठीक है, एज इट इज आपकी पिक्चर कार्ब्ड हो जाएगी। आप समझ लीजिए क्या चीज पॉसिबल नहीं है सर। ये देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ तक की चीजें सर ने बनाई हुई है जो आदमी सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल, और यहाँ पर फिर से एक और देखिए, ये भी पैनल यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब सारी चीजें आपको ऐसी अट्रैक्टिव मिलने वाली है यहाँ पर आके, आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है जी, चीजें आपको ऐसी मिलने वाली है, मतलब आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं पर ये नहीं कह सकते आपको वैरायटी नहीं मिली। और सर ये भी सारे पैनल आप ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी इंडिया और इंडिया के बाहर भेज रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप लोगों के समर्थन से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये चीजों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक, नहीं अवेयरनेस फैला रहे हैं। क्या बात, जिससे लोगों को पता चले कि ये चीजें बन सकती है, हम अपने घर को सुंदर और भी बना सकते हैं, क्योंकि यही चीजें हैं जो घर को और सुंदर और बेहतर बनाती हैं। ये देखिए दोस्तों, पैनल भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा और भी वैरायटी है। वैरायटी अगर दिखाने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाए, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। अगर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक चले गए ना, तो वीडियो हमारी 2 घंटे पहुंच जाएगी। क्या बात है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सर ने कहा है आपको कुछ ना कुछ देंगे जरूर अगर हमारे चैनल के माध्यम से आएंगे। सर एक तो आपने दे दिया पूरा 10% का कैश डिस्काउंट। जी सर, बिल्कुल डन है सर। मेरे पास स्क्रीनशॉट दिखा है कि मैं आपकी वीडियो को देख के आया हूँ, मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रखा है। ठीक है, उन्हें मिलने वाला है 10% का डिस्काउंट। और साथ साथ में छोटा या मंदिर या बड़ा मंदिर खरीदते हैं उस पे मिलने वाला है आपको ये कोरियन में बनी हुई श्री प्रभु श्री राम जी की प्रतिमा, जो कार्व्ड होने वाली है, कलरफुल होने वाली है और इस साइज के अंदर आपको मिलने वाली है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से चले आइए, अगर आपको कोई भी मंदिर चाहिए सर ने आपको ऑफर भी दे दिया है। बिल्कुल सर, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, जल्दी से जल्दी आइए और अपना मंदिर बुक कराइए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी तो नहीं आ चुके हैं अयोध्या में, अब आपको अपने घर लेके आना है मंदिर, साथ साथ प्रभु श्री राम जी को, जो कि आप मेरे पीछे होने वाले कलरफुल के अंदर और कोरियन में लाइटेड के साथ। ठीक है जी, सर कुछ ऐसी चीज दिखाइए अलग जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। सर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ रामलला जी की प्रतिमा, ये मंदिर की शेप में एक छोटा मंदिर बनाया है। अरे रामलला विराजमान हो चुके हैं हमारे शोरूम के अंदर, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर कोरियन के अंदर बना रखे हो, यूवी प्रिंट के अंदर कार्व्ड होने वाले। अब इनकी मुस्कान देख लीजिए, आप फिनिशिंग देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, ऐसे छोटे मंदिर भी आपको मिलने वाले हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे मंदिर मिल जाएंगे। क्या बात, ये आप देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ये मंदिर। तो छोटा सर ने सैंपल बनाया आप लोगों के लिए, ये लेना चाहे ये भी ले सकते हैं, इसमें बड़ा बनवाना चाहे तो बड़ा ही बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा सर। मैंने
एक नहीं है, कस्टमर के लिए बना रखा है और मुझे भी काफी अच्छा लगा तो मैंने एक छोटा पीस अपने शोरूम के अंदर भी रख लिया। मतलब बड़े से बड़े छोटे से छोटे आपको मंदिर मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मार्बल आर्ट स्टूडियो पे। मार्बल आर्ट स्टूडियो जाना ही इसी वजह से जाता है, अपनी अच्छी कारीगरी की वजह से, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल की वजह से और टाइम पे सर्विस कंप्लीट करने की वजह से। नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं, हमने स्लिम ट्रिम से पिलर बना रखे हैं। आप देखिए 3D की कार्विंग के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल फाइन क्वालिटी फिनिशिंग देख सकते हैं। इसके अंदर एलिफेंट बना रखे हैं, ये भी सर जॉइंट करके बनाए हुए हैं। ये आप देखिए इसके अंदर प्रॉपर कार्विंग कर रखी है। ये तीन चार शीटों को मिलाने के बाद देन उसके ऊपर सीएनसी करी गई है डेप्थ में। ये देखिए दोस्तों इतनी डिटेल के अंदर ना कोई एक मैन्युफैक्चरर ही आपको बता सकता है, जो सर यहाँ पर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक है सर। उनका पैटर्न बहुत सारे मिलने वाले हैं जैसा कि आप लोग देखते हुए चले। सर इसके साइज की बात करें तो क्या साइज रहेगा हमारा? सर ये 6 फीट हाइट है, 3 फीट वेट एंड 2 फीट डेप्थ है। क्या बात है। ये देखिए दोस्तों अगर आपको जो इस प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे घर में बिल्कुल अच्छा लगेगा, सूटेबल लगेगा मेरे लिए जगह के हिसाब से, तो सर इस पीस को भी आप भेज सकते हैं घर पे। बिल्कुल सर बिल्कुल भेज देंगे। तो अभी सर नेक्स्ट कौन सा दिखाने वाले? नेक्स्ट हमारा ये साइज है 6 फीट बाई 3 फीट का मंदिर है, जिसमें आप देख रहे हैं कोरियन के हैंडल बना रखे हैं। कोरियन के ही प्रॉपर आप देख सकते हैं, 3D कार्व्ड कोरियन के अंदर हैंडल बना रखे हैं। ड्रॉअर के साथ साथ आप देखिए इसके अंदर हमने पल्ले भी दे रखे हैं स्टोरेज के लिए प्रॉपर। पिलर आप देख सकते हैं, पिलर 3D कार्व्ड होने वाले, स्क्वायर शेप के पिलर होने वाले हैं और बेल्स लगा रखी है, घंटियां देखिए आप देखिए प्रॉपर जाली के अंदर, ये प्रॉपर बजने वाली घंटियां होने वाली है एसएस के अंदर। पूरा व्हाइट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। बिल्कुल सर बिल्कुल, कैसे मंदिर को सुंदर बनाया जा सकता है वो कॉन्सेप्ट हमारे चलते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ओम का कॉन्सेप्ट कितना, ये ओल्ड पैटर्न है और इतना चलने वाला पैटर्न है, लोग काफी ज्यादा इसे पसंद करते हैं। एक स्लिम ट्रिम कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा लोग को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट वन में ये आपको दिखाना चाहूंगा, एक ये न्यू वन कॉन्सेप्ट है, ये अभी हमने फिलहाल ही लॉन्च किया है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं देखने को मिला है। पिलर आप देख सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी, कितनी डिटेलिंग है, ये डिटेलिंग ही दिखाती है कि सर कैसे नहीं वर्क होता, क्या वो है फिनिशिंग, क्या क्वालिटी है। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये सारा 3D वर्क हो रखा, मंडावली डिजाइन आ रखी है, फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी प्यारी हो रही है एसएस का काम के साथ साथ। ये देखिए दोस्तों इसको भी हम थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देते हैं कितना बड़ा साइज रहेगा और किस तरह से रहेगा। आप चाहे तो अपने घर में इसे भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, इसका क्या साइज रहने वाला है? सर 7 फीट बाई 4 फीट साइज है, ये आइडियल साइज है। मोस्ट ऑफ द मंदिर हमारे पास इसी साइज के होते हैं, ये सारे घरों के अंदर नहीं है, काम वर्क कर जाते हैं साइजेस। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने पल्स लगा रखे हैं, ये आप देखिए मदर ऑफ पर्ल लगा रखे हैं और ये डायमंड का इनले कर रखा है, सरोस्की भी कहते हैं इसे। और ये हमने ओम एक लेवल पे बार कर रखा और ये सारा 3D के अंदर वर्क कर रखा है। ये बहुत ही सिंपल सोबर डिजाइन है। क्या बात, ये आप देख सकते हैं लैंप बना रखे हैं, कितनी 3D की कार्विंग करके फिनिशिंग देख सकते हैं। ये दियो का पैटर्न देखिए कितना प्यारा और न्यू पैटर्न बनाया है। ये वैनिटी पे वर्क कर रखा, सारा 3D वर्क हो रखा होने वाला है और लोटस की डिजाइन भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, स्टार्टिंग तक दे रखी है। नीचे पूरी लोटस की पट्टी आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर लाइटिंग की हुई है सर। बिल्कुल, ये ऐसी डिजाइन अभी तक कहीं नहीं देखने को मिलेगी, इस बात का चैलेंज है। आपकी वीडियो देखने के बाद कुछ लोग कॉपी कर ले तो उसका कुछ कह नहीं सकता। अच्छा सर, यहाँ पर कॉपी भी होती है सर? मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द डिजाइन मेरे कॉपी हो चुके हैं पर एग्जैक्ट अभी भी ना पाए लोग। ये लीजिए, एक नहीं ये बात है जो आप बड़े बुजुर्ग कहते हैं और एक नहीं ये मुझे कविता भी है, नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ सर, ये तो बिल्कुल मुहावरा है, प्रॉपर आप बिल्कुल नकल के लिए अकल चाहिए। और सर जो असल होता है उसी की नकल करते हैं सर। बिल्कुल सर, ये तो है ही चीज। आप देखिए न्यू वन ये भी बना रखा है, डायमंड ओम का इनले कर रखा है, देखिए बहुत मतलब ये अट्रैक्टिव पीस है, आज तक लोग कॉपी नहीं कर पाए अभी तक इतने टाइम के अंदर। ठीक है, ये आप देखिए ये सरोस्की का डिजाइन कर रखा है, एसएस का इनले कर रखा है, ओम का पूरा पैटर्न बना रखा है, गायत्री मंत्र लिख रखा है, डमरू वाले पिलर बना रखे हैं, ये पूरे डमरू बन रहे हैं। अरे सर, शेप तो सेम डमरू जैसी आ रही है। बिल्कुल शेप डमरू जैसी है, आप देख सकते हैं डमरू बना रखे हैं, वैनिटी पे वर्क कर रखा है जैसा कि हम लोग करते हैं सब में 3D कार्विंग, वैसे ही इसमें वर्क कर रखा है। ठीक है जी, ये देखिए दोस्तों और यहां पर जैसे सर ने बताया ना एसएस, सर एसएस जो आप यूज करते हैं इसकी चमक ऐसी बरकरार रहती है? बिल्कुल सर, ये सारे एसएस ये आप भी जानते हैं ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है, ये पीवीडी हो रखी है। क्या बात है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उतर जाती है। और सर इसी के ऊपर आपने छोटे छोटे से डायमंड का भी यूज किया हुआ है। सर उसकी भी कहते हैं ना डायमंड, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, कैसे उसे अट्रैक्टिव कैसे नया बनाया जा सके। सर इसका साइज क्या रहेगा हमारा? सर 7x4 आइडियल साइज है जो। क्या बात है, 7x4 जो सबसे ज्यादा चलते हैं जी। आप नेक्स्ट वन आप देखिए, ये कोरियन का आपको यूज दिखाएगा, 360 डिग्री बैंड हो जाता है। अरे वाह, ये है सर देखिए 360 डिग्री बैंड कर रखा है, ये कार्विंग करने के बाद ये देख सकते हैं, ये आप देखिए और लाइटिंग देख सकते हैं।
सकते हैं, डिटेलिंग देख सकते हैं, फिनिशिंग देखिए कितनी क्वालिटी के साथ दी है हमने, ये वाली डिजाइन भी लोग कॉपी नहीं कर पाए सर, इतने टाइम से नहीं है मार्केट के अंदर है लोग एग्जैक्टली बना पाए पिलर भी, और सर ऊपर भी काफी अच्छा है ये सर, सॉलिड पिलर के अंदर डिजाइन बना रखी है ये पूरा, ये ऊपर सॉलिड लगा रखा कोरियन, इसी वजह से लाइट नहीं आ रखी, ये आप लट्टू देख रहे हैं, ये लट्टू भी हमने कोरियन के अंदर बना रखे हैं सॉलिड बिल्कुल खराद वाले, ये देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं इसको कहते हैं देखिए काम। और यहाँ पर सर सामने फिर से दोबारा हमारा एसएस का इल्ले होने वाला है, ओम का कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने आपको बताया ओम के कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे, ये हमने 360 ये देखिए प्रॉपर बैंडिंग कर रखा है, ये पूरा पूरा सर्कल हमने राउंड कर रखा है आप देख सकते हैं, ठीक है ये एसएस का इल्ले कर रखा है साथ साथ, साथ में मैं देख रहा हूँ 3D का आपने यहाँ पर काम कर रखा है सर, बेल्ट बना रखे हैं, लैंप बना रखे हैं, अरे वाह। एक मंदिर में आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल अलग बिल्कुल यूनिक जो काफी ज्यादा प्यारा होने वाला है, और सारा 3D वर्क है, ये आप देखिए बंद होने के बाद ही कितना प्यारा लग रहा है, ये डोर वाला मंदिर, ये अभी मैंने यूएसए बना के भेजा है, मंगोलिया में लगाया अभी रिसेंटली मैंने सर, इतने बड़े बड़े मंदिर आप पूरे इंडिया के बाहर भेज देते हैं सर? हाँ सर बिल्कुल सर, पैकिंग वगैरह किस तरह से रहती है सर? सर ये हमारी पैलेट पैकिंग होती है, वो पैकिंग हम लोग कराते हैं, वो पूरा वुडन का बॉक्स बनता है और अंदर हम क्या कराते हैं ये सिर्फ कस्टमर को हमें पता है सर, ये सबसे बड़ा राज है। चलिए सर कोई बात नहीं, राज कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं, अब ये बताइए सर साइजेस क्या रहेगा इस मंदिर का? सर ये 8x4.5 का मंदिर है, अरे वाह देखिए, अब आप देखिए ऐसे खोलता हूँ मैं, आप देखिए इसकी डिटेलिंग फिनिशिंग देखिए, अरे वाह ये आप देख सकते हैं, ये सारा 3D वर्क होने वाला, ओम का पैटर्न डिफरेंट होने वाला है, लेफ्ट राइट के अंदर लक्ष्मी गणेश जी आने वाले आप देख सकते हैं, 3D की डिजाइनिंग होने वाली है, सारा 3D का काम आप देख दिखा सकते हैं जूम करके कितना बारीक काम हो रखा है सर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कि हम किसी किले के अंदर नक्काशी देखते हैं या किसी मंदिर के अंदर नक्काशी देखते हैं, बिल्कुल 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 सेम वही चीज यहाँ पर आपको फील होगी, बिल्कुल सर बिल्कुल। और सर काफी अच्छा काम किया हुआ है आपने, अगर हम साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप, देखिए नीचे भी हमने स्टोरेज का पार्ट दे रखा है, स्टोरेज हम लोग बना सकते हैं, अभी मैंने इसके अंदर लूज छोड़ रखा है, अगर किसी को कस्टमर को स्टोरेज की रिक्वायर्ड है तो बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए दोस्तों फिर से एक बार दिखा देते हैं, काफी बिग साइज में है, अगर आप देखिए इसे लेना चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, ऊपर से नीचे तक एक बार आपको पूरा दिखा देते हैं, देखिए इस तरह का पूरा मंदिर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, मतलब पूरा एलमरा टाइप का ये, ठीक है। अब नेक्स्ट वन दिखाना चाहेंगे आपको, ये भी अभी ये अनकम्प्लीट है, इसमें लाइट लगना बाकी है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर फोकस लाइट लग जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके व्यूअर्स देखेंगे इसके अंदर फोकस लाइट लग जाएगी, तो इसका अट्रैक्टिवनेस, इसका ओम थोड़ा मैंने बड़ा बनवाया, ये छोटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी सारा एसएस का इनले हो रखा है आप देख सकते हैं, इसके अभी मैंने पन्नी नेटाई जब इतनी फिनिशिंग निकल के आएगी सर इसकी, आप देख सकते हैं इसके अंदर जब इसके अंदर फूल के अंदर लाइट लग जाएगी ना, जब इसका अट्रैक्टिवनेस, पिलर जैसा कि मैंने आपको बताया सारे अलग होने वाले हैं, सारे अलग है आप देखिए, यानी हर मंदिर के पलंग आपको डिफरेंट डिजाइन के मिलेंगे, बिल्कुल वैनिटी भी डिफरेंट डिजाइन की मिलेंगी साथ साथ, ठीक है सर। आप ये आप देख रहे हैं हमारा पद्मावती मूवी से इंस्पायर्ड डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं पद्मावती मूवी से इंस्पायर्ड डिजाइन, सारा 3D वर्क होने वाला, ये देखिए पिलर बिल्कुल अलग, ये सर लाइटेड वाले पल्ले होने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कर्व शेप के अंदर वैनिटी आने वाली है, 3D का पैटर्न होने वाला है, साथ साथ झरोके आने वाले हैं, बैकड्रॉप इसका जो अट्रैक्टिव है, जो मतलब इसका मजेदार करता है, ये पूरा अट्रैक्टिवनेस है, ये पूरा सीलिंग जो पूरी बैंड कर रखी है, जैसा कि देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूंगा एक बार, ये देखिए पूरा बैंड है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये बैंड कर रखा कोरियन की, यही तो खासियत है, लोग नॉन बैंडेबल यूज करते हैं सर, हम लोग बैंडेबल करते हैं, सारा 360 डिग्री बैंड हो जाता है 10 साल की वारंटी के साथ, बैंड होने के बाद भी आपने इतने अच्छे से इसको डिजाइन बनाया हुआ है, इसके ऊपर देखिए नक्काशी की हुई है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा मंदिर आपको यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है, इसका साइज क्या रहेगा सर? 7x5 का मंदिर है हमारा, 7 फीट हाइट, 5 फीट वेट एंड 2.5 फीट डेप्थ, इसके अंदर स्टेप भी दे रखा है साथ साथ आपको, उसके अंदर आप ये छोटी बड़ी मूर्तियां भी रख सकते हैं ऊपर नीचे करके, क्या बात है, ये लीजिए ये देख सकते हैं कर्व शेप में वैनिटी मिलने वाली है, सबसे अच्छी खासियत यही है, ठीक है सर। एक मंदिर है जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, जो आप मेरे पीछे नजर आ रहा है सर, आप देखिए ये आप देखिए प्रॉपर हमने 3D के अंदर बेंडिंग के अंदर सीलिंग बना रखी, सारा भरा हुआ वर्क होने वाला, स्वास्थ्य की डिजाइन डाल रखे, साथ साथ सीलिंग में भी डिजाइन है लाइटेड के साथ, ये देखिए, अरे वाह, ये देख सकते हैं आप प्रॉपर, अभी मैंने आपके सामने ये कस्टमर बैठे थे उन्हें भी मैंने ये सोल्ड किया, ये वाला पीस, अच्छा सर पीस। वो यही देख के गए, अभी यही लेके गए सर, सर कहां के थे कस्टमर वो? सर वो अहमदाबाद से आ रखे थे, अरे वाह, अहमदाबाद से नहीं है, अभी ये लेके गए, ये सेम पूरा पीस है, यही पूरा पैटर्न है, गायत्री मंत्र भी है सेम है, प्रॉपर बेल शुभ लाभ लैंप सारी चीजें घंटियों वाले डिजाइन
डिजाइन ये काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और हम लोग बना भी रहे हैं साथ साथ, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे नई नई चीजें लेके आ ही रहे और आने वाले हैं। और सर जैसे अगर कोई अपनी तरफ से भी डिजाइन लेकर के आना चाहे तो वो भी निराश होके नहीं जाएगा, उसके डिजाइन का भी सेम मंदिर आप बना के दे। मेरे यहाँ आके लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, निराश नहीं हो सकते। क्या बात है, ये लीजिए। और सर यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, ये तो काफी अलग ही चीजें हटके। सर ये आप देखिए, ये मैंने बिल्कुल 3D के अंदर कार्विंग कर रखी है। ये आप इसकी डिटेलिंग देखिए सर, ये शिव परिवार बना रखा है। सर मुझे तो लगता है इसके अंदर मूर्ति वगैरह रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर इतनी शार्प कार्विंग कर रखी है, 12 ज्योति लिंग बना रखी है साथ साथ। ये देखिए प्रॉपर 12 ज्योति लिंग, ये आप देखिए कितनी फिनिशिंग से ओम नमः शिवाय लिखा, सीलिंग में डिजाइन दे रखी है साथ साथ। ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। पिलर डिफरेंट होने वाले हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ हर मंदिर के पिलर डिफरेंट है, ऊपर की सीलिंग बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। सर इसका साइज क्या रहेगा हमारा? 7x4 है सर इसका साइज, 7x4। हाँ सर, तो ये भी बहुत अच्छा साइज है, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ट्रे का कॉन्सेप्ट दे रखा है, जैसा कि हम लोग देते हैं हर मंदिर के साथ साथ, ठीक है जी। हैंडल दे रखे हैं 3D वाले, 3D की पूरी डिजाइनिंग दे रखी है, स्कार्टिंग में लोटस दे रखे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ भी, ये भी काफी अच्छा डिजाइन है। बिल्कुल, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट बना रखा है, इसके अंदर हमने पिलर की जगह पूरे मोर बना रखे हैं। ये देखिए, अरे वाह, ये पूरे मोर के ही पिलर बना दिए। बिल्कुल, ये लीजिए देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम आपको लुक ऊपर से भी यही मिलेगी। ऊपर से भी मोर बन रहे हैं पूरे, आप देखिए एक मोर में ये पंख फैलाते हुए दो मोर साइड में बने हुए देखिए, और यहाँ पर पिलर में भी आपको मोर ही मिलेगा। बिल्कुल, ऊपर की सीलिंग देखिए, इसके अंदर मैंने ओम शंख स्वास्तिक कलश सारी चीजें बना रखी हैं। आप देखिए टेपर में सीलिंग होने वाली है, आप देख सकते हैं सर। और इसमें ये गोल्ड वाला काम जो है हमारा, ये भी एसएस का रहेगा, एसएस का वर्क होने वाला है सर, सारा 3D के अंदर कार्व्ड होने वाला है। ओम का पैटर्न देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाला है। नीचे इसकी वैरायटी देखिए, कार्विंग देखिए सर इसके अंदर, ये नंदी जी बना रखी है, गजन बना रखी है, नोब होने वाली है कोरियन के अंदर, ट्रे का कॉन्सेप्ट तो देते ही है मंदिर के अंदर सारे, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों डिजाइन इतने यहाँ पर कि आप देखते देखते थक जाएंगे, डिजाइन खत्म नहीं होने वाले, नहीं होने वाले। यहाँ ये आप देखिए बिल्कुल वाई शेप के अंदर पिलर, सब स्क्वायर बनाते हैं, राउंड बनाते हैं, सीधे सीधे बनाते हैं, वाई शेप के अंदर पिलर बनाते हैं। सर आपने पूरा वाई बना दिया, यानी वाई बना दिया पिलर, आपको हर मंदिर की अलग मिलेंगे, जैसे कि सर ने बताया। आप वेंट का शेप देखिए सर, वेंट का शेप बिल्कुल सब में सिंपल थी, आगे पीछे करके दी हमने, इसके अंदर अलग ही डिफरेंट लुक दे दिया। ऊपर से लाइट आ रही है कोप, बिल्कुल आप देखिए डिटेलिंग के साथ साथ प्रॉपर, ये देखिए ये प्रॉपर ड्रॉअर बना रखे है, कम स्टोरेज का ख्याल रखे, ये मंदिर बना रखा है, काफी अट्रैक्टिव है। वाई शेप के अंदर पिलर होने वाला है, ओम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, ये देखिए। और दोस्तों साइज भी काफी अच्छा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइज भी अच्छा दिया हुआ है सर ने, तो इस तरह का मंदिर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ भी ये मंदिर है सर, देखिए हवा में पिलर दे रखे हैं, पिलर के कॉन्सेप्ट देखिए, हवा में पिलर, मतलब नीचे कोई रुका हुआ नहीं है। नहीं सर, अरे नई नई चीजें बनाना ही हमारा शौक है, ये पैशन है हमारे लिए, कैसे चीजों को निखारे, कैसे चीजों को अच्छा बनाया जा सकता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया कैसे किया जा सकता है, ठीक है। मोर बना रखे हैं पीछे पीछे साथ साथ, देखिए प्रॉपर आप देखिए ओम का पैटर्न बना रखा है साथ साथ, क्या बात है, नई नई चीज आपको देखते हुए मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों हर मंदिर के अंदर कुछ अलग ही काम आपको यहाँ पर मिलेगा। बिल्कुल सर, नेक्स्ट में नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये हमारा एक डिफरेंट शेप मंदिर है 7x4 के अंदर, इसके अंदर आप मेहराब के अंदर आप गजानन का डिजाइन देख सकते हैं, प्रॉपर मेहराब के अंदर गजानन बन रखे हैं, 3D के अंदर कार्विंग होने वाली है, पिलर जैसा कि मैंने दिखाया हर मंदिर के अंदर अलग मिलेंगे साथ साथ। आपको ये देखिए नंदी जी बन रखे हैं, गजानन आ रखे हैं, और ये क्या बात, विदाउट नोब बना रखे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये भी सर बहुत अच्छा हैंडल लेस बना रखे है सर, ये ट्रे अच्छा दे रखी है, ट्रे जैसा कि मंदिर में हम सबके दे सकते देते हैं। प्रॉपर जो बैक पैनल है, बैक पैनल के अंदर भी आप देख सकते हैं ओम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, मोर आ रखा है, साथ में मेहराब का शेप दे रखा है, लक्ष्मी गणेश जी बोथ साइड, ठीक है जी। जाली का पैटर्न देख सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है साथ साथ, ठीक है। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा काम इस मंदिर के अंदर भी किया गया है, और ये भी देखिए सर हाइट भी काफी अच्छी है इसकी, क्या साइज का रहेगा सर? 7x4 का है जो आइडल साइज है, 7x4 जी सर, बहुत अच्छा है 7x4 का। अब इसके बाद एक नया पैटर्न ये भी दिखाना चाहेंगे, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा बन रही है देखिए सर, अरे वाह, ये मूर्त बन रही है प्रॉपर, आप देख सकते हैं फिनिशिंग कार्विंग। ये कस्टमर का मंदिर है जो हमने अभी शोरूम के अंदर लगा रखा है, प्रॉपर उनके यहाँ टाइम है तो हमने लगा रखा है यहाँ पर। ये भी आपको मिल सकता है अगर आपको जल्दी चाहिए मंदिर सर, मतलब इटालियन मार्बल के अंदर भी आप इस तरह की ये प्रिंटिंग वगैरह करा देते हैं, इस तरह की जैसे कार्व्ड है सारा, कार्व्ड है, कार्व किया हुआ है, कोई ये समझे कि पोस्टर चिपका रखा है, कोई समझे इसके ऊपर ऐसे ही नहीं थिंक कर रखी, नहीं ये सर, पेंटिंग मैं तो सोच रहा था कोई फोटो लगी होगी इस पे, ये तो पूरा कार्व है, नक्काशी है,
नक्काशी है पूरी। क्या बात है, ये कंफ्यूजन होता है लोगों को। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना अच्छा आपको, ये देखिए आपका पिलर भी बिल्कुल डिफरेंट, इसकी वैनिटी बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाली, सारी चीजें आपको नई मिलने वाली। इसकी मेहराब देखिए सर, साथ साथ ओम ओम का मतलब नहीं, ऊपर हमने टॉम बना रखी है साथ साथ। ये देखिए ठीक है, ये देखिए जी नेक्स्ट सर और कौन सा दिखा, डोर वाला मंदिर दिखाना चाहूंगा, एक अपना छोटा सा मंदिर है 6x3 के अंदर। ठीक है, ये आप देखिए जैसे आपने भी बड़ा दिखाया था सेम वही चीज डोर में छोटे में आ गई, छोटे में आ गई। आप देखिए ये लीजिए, ये अब इसके अंदर भी आप देखिए मेहराब का डिजाइन जी, ओम का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है, जालियां डिफरेंट लग रखी है, ठीक है, और ओम बन रखा है, गायत्री मंत्र लिख रखा है, मेहराब का डिजाइन होने वाला है, नीचे पल्ले में लाइट दे रखी है हमने, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, सर जैसे लाइट की बात हो रही है तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे क्या लाइट हमेशा इनकी चलती है, कोई दिक्कत तो नहीं आती किसी तरह की? 10 साल से हम मंदिर बना रहे हैं, 10 साल में अभी तक हमने किसी में भी लाइट नहीं बदली, मोस्टली अडेप्टर खराब होते हैं। एक ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मैं नोएडा के जो डिप्टी SP है उनके यहाँ लगा रहा हूँ, ये उन्होंने परचेज कर लिया ये मंदिर। क्या बात है, आप देख सकते हैं ये प्रॉपर 3D में कार्विंग होने वाली है, ये हमने बेंड करके पिलर बना रखे हैं, इसमें मोर का पूरा डिजाइन, ये भी पिलर बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जरो वाला डिजाइन देख सकते हैं, इसके अंदर छोटी बड़ी मूर्तियां रख सकते हैं आप, छोटा बड़ा सामान जो हाईलाइट करना चाहें, मोर बना रखे हैं साथ साथ, आप देखिए बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। स्टेप इसकी वैनिटी देखिए कितना बारीक काम हो रखा है, ये आप क्या बात है, ये पूरी मंडावली डिजाइन हो रखी है, ये पूरा मोर का कॉन्सेप्ट बन रखा है। ये हम लोग सब लाइट देते हैं पल्लों में, ड्रॉअर के अंदर हमने ऊपर से लाइट दी, सब जगह वर्क कर रही है। सर जैसे कि आपने बताया था वीडियो की शुरुआत के अंदर, आपके पास मंदिर कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? सर 2x2 का मंदिर 22,000 से स्टार्ट है मात्र। सर कोई छोटे मंदिर भी दिखाएंगे हमें, छोटे मंदिर भी होंगे आपके पास? सर नहीं है, आप देख सकते हैं हमारे पास छोटे में ये वेरिएंट आ रखे हैं अलग अलग, अरे वाह, थोड़े बड़े साइज के भी है, छोटे साइज के, इसके अंदर अभी लाइट नहीं लगी हुई, अभी मैंने रिसेंटली मेरे पास आ रखे है। इसके अंदर माता रानी की पिक्चर बन रखी है, आप देख सकते हैं प्रॉपर कार्व्ड होने वाली है, कलरफुल होने वाली है, यूवी प्रिंट के अंदर बना रखी है, देखिए ये देख सकते हैं क्या बात है, ये देखिए। और एक छोटा सा मंदिर सर वहाँ भी रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं सर कितना प्यारा मंदिर है, मतलब क्या बात है सर, इसमें भी SS का काम हो रखा है पूरा। हाँ, SS का काम हो रखा है, इसके अंदर स्टोरेज का भी पूरा ख्याल रख रखा है, ये देख सकते हैं स्टोरेज दे रखा है, बहुत छोटा और प्रीमियम सेगमेंट का मंदिर है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा वीडियो में भी, और आप यहाँ आके फील करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और सर मैंने देखा है अभी एक शेरावाली का भी मंदिर यहाँ पर रखा हुआ है शायद, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों माता रानी जी का मंदिर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और नौ देवी का स्वरूप आ रखा है साथ साथ, ये आप देखिए नौ देवी का स्वरूप आ रखा है जिसमें शुभ लाभ आ रखा है, और इसकी सीलिंग देखिए प्रॉपर गजानन आ रखे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं पिलर बिल्कुल डिफरेंट है, वैनिटी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, जैसा कि सब मंदिर में होने होती है हमारे। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर मंदिर की बात करें ना तो कह सकते हैं सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मंदिरों की डिजाइन खत्म नहीं होने वाली सर, खत्म नहीं होंगे। और सर ये कौन सा मंदिर है सर? ये बांके बिहारी जी का स्वरूप बना रखा है सर, आप देख सकते हैं कितना कार्विंग कितनी डिटेलिंग के साथ बना रखा है, वो साइड लक्ष्मी गणेश जी दे रखे, कितनी फिनिशिंग कितनी क्वालिटी के साथ, इतना डिटेलिंग वर्क कोई नहीं कराता। पिलर देखिए पिलर कितने डिफरेंट बना रखे हैं, और साथ में गजानन बना रखे। सर जैसे ये बांके बिहारी जी का जो मंदिर आपने तैयार किया हुआ है जी, इसी तरह से कोई खाटू श्याम का मंदिर बनवाना चाहे तो बन जाएगा सर? बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या बात है सर, कितना टाइम लग जाता है इस तरह के मंदिर को अगर हम ऑर्डर करते हैं, कितने दिन में हमें मिल जाएगा? सर 15 से 20 दिन लगते हैं सर, मिनिमम से 20 दिन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर ये हाथ का काम है सारा, इसके अंदर CNC वर्क नहीं करती, मैन पावर की सबसे बड़ी नीड है। क्या बात है, और दोस्तों जहाँ पर मैन पावर आ जाती है तो वहाँ सारी पावर फेल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये बताइए इतने सारे मंदिर आपने दिखा दिए और हमारे व्यूअर्स ने भी देख लिए, जी जी, अब वो ऑर्डर करना चाहें या यहाँ पर आना चाहें तो किस तरह से आएंगे, और कुछ पैकेजिंग वगैरह कोई आप दिखाना चाहेंगे इसकी क्या? सर पैकेजिंग अभी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि फैक्ट्री में बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से पैक करके भेजते हैं ना आप? सर मैं क्या कह रहा हूँ, किसी दिल्ली NCR के अंदर अगर आपका मंदिर जा रहा है तो उसमें 2 फुट की साइज जिम्मेदारी हमारी, जब तक आपके मंदिर नहीं लग जाता। अरे वाह, ये लीजिए दोस्तों बेफिक्र होकर के ऑर्डर कर सकते हैं, और एक बिल्कुल सिंपल सा मंदिर यहाँ भी आ गया आपके। बिल्कुल सर बिल्कुल, जिसके अंदर आप देख सकते हैं पिलर बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, ओम का पैटर्न है। एक ये मंदिर दिखाना चाहूंगा, ये अभी रिसेंटली मैंने USA भेजा है, ये सेम डिजाइन पूरा। ठीक है सर, अगर वो आपके आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा, वो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या वो फिनिशिंग रही, क्या क्वालिटी का हो रहा। आप देख सकते हैं पिलर बिल्कुल डिफरेंट, ओम का पैटर्न डिफरेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लेयर के अंदर ये थिंग्स आ रखे हैं। देखिए ठीक है सर, अब ये बताइए आपके पास कैसे आना होगा यहाँ पर, एड्रेस एक बार फिर से बता दीजिए, और ऑर्डर किस तरह से हम करेंगे? बिल्कुल
सर मार्बल आर्ट स्टूडियो 1/4 कीर्ति नगर टिम्बर ब्लॉक मायापुरी मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर वॉक इन डिस्टेंस पे होने वाला है, ठीक है जी, आपके दिल्ली NCR के अंदर। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार यहाँ पर अगर आप आस पास है तो आ सकते हैं, अगर नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी सर दिखा देंगे। बिल्कुल सर दिखा देंगे, तो यहाँ से वीडियो कॉल पे आके देख सकते हैं। अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखना है तो पास में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको रॉ देखने को मिल जाएगा, मशीन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यानी कहां पर बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है पूरी, आप फैक्ट्री वगैरह आपने दिखा देंगे। सर चार फैक्ट्रीज हैं हमारी, एक शाहदरा में, एक रिठाला के अंदर है, एक पीतमपुरा में, एक यहाँ कीर्ति नगर के अंदर। चारों फैक्ट्री पे आप जाके अगर आपको लगता है तो आप जाके वहां पर रॉ देख सकते हैं, क्योंकि रॉ में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मंदिर खरीदना तो आपको आके डिस्प्ले के अंदर ही देखना पड़ेगा, मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है। आप यहाँ आके देख सकते हैं, अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, और उसके बाद हम एक फाइल बना के भेजते हैं, मतलब ड्रॉइंग के अंदर आप अपनी सारी चीजें देख लीजिए कि हाँ मैंने जो कस्टमाइजेशन कराई थी वो ओके है या नहीं, फिर उसके बाद हम उसे वर्किंग में लगा देते हैं। वर्किंग में लगने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपके सामने आपके तैयार होगा इस टाइप का मंदिर। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि ये तैयार यहाँ पर हो चुका है, बिल्कुल ऐसे मंदिर आपको तैयार मिलेगा। इस वीडियो को अपने यार दोस्त फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड है मंदिर के लिए, जो काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, तो आप लोगों को ये वीडियो मिल गई है, जल्दी से वीडियो के माध्यम से आ जाइए। सर थोड़ा बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ डिस्काउंट कर देंगे ना? सर मैं आपके व्यूअर्स के लिए, जो भी आपका जो चैनल है उसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके आता है, उसे 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ साथ हम एक यूनिक चीज देने वाले हैं।